एक जंगल में एक कौवा घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढ रहा था। यह जगह बहुत बढ़िया है। मैं यहाँ अंडे देती हूँ और सेकती हूँ। कौवा एक एक तिनका जोड़कर घोंसला बनाती है। उसमें वो अंडे देती है। उसी पेड़ के पास एक बिल में एक सांप रहता था। एक दिन सांप ने घोंसले में रखे अंडे देखे। जब कौवा घोंसले में नहीं था तो सांप आकर एक एक करके सारे अंडे खा गया। लौटने पर अंडे न पाकर कौवा बहुत उदास हुआ। मेरे अंडे कहां गए? कुछ समय बाद कौवे ने फिर अंडे दिए। फिर उसी तरह सांप उन अंडों को खा गया। कौवा लौटा, अंडे गायब। बड़ा चिंतित हुआ। वो सोचने लगा कि भला अंडे गायब होते कैसे हैं? मेरे अंडे कहां गए? कुछ समय बाद कौवे ने फिर अंडे दिए। फिर बाहर जाने के बहाने वो पास वाले पेड़ पर छिप गया। सांप आदत से मजबूर पेड़ पर चढ़कर अंडे खाने लगा। उसे देख कौवे ने सांप को रोकने की कोशिश की, पर असफल रहा। कौवा उड़ते हुए ये सोचने लगा कि आखिर सांप से कैसे छुटकारा मिलेगा। तभी उसकी नजर राजमहल में महारानी पर पड़ी, जो अपनी सखियों के साथ कुंड में नहा रही थी। अब बच्चों, पास ही रानी के वस्त्र व गहने रखे हुए थे। उन्हें देखकर कौवे के दिमाग में एक उपाय सूझा। कौवे ने फौरन रानी के गहनों को बिखेर कर हीरों से जड़े हार को चोंच में दबोचकर उड़ने लगा। तो देखो, कौवा रानी का हार लेके उड़ रहा है। सिपाहियों, जाओ उसे पकड़ो। पकड़ो। सिपाही कौवे का पीछा करने लगे।
पकड़ो पकड़ो। कौवा उड़ता हुआ सांप के बिल के पास पहुंच जाता है। पकड़ो पकड़ो। हार को बिल में डाल देता है। अब बच्चों, सिपाही सांप के बिल को खोदने लगते हैं। सांप बाहर निकलता है। सिपाही उसे मार डालते हैं और हार लेकर लौटते हैं। सांप को मरा देख कौवा बहुत खुश होता है। अब फिर कौवा अंडे देता है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन बसर करता है। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? ढूंढ सकते, सूझ बूझ के साथ किसी भी समस्या का हल ढूंढा जा सकता है।